आज हम सीखेंगे रतन घर चल अभ्यास का आज अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, जैसे कि आपको दिख रहा है दो अंक का नंबर है, यहाँ पे पार्ट तो है रतन घर चल। कहाँ है रतन को घर चलने के लिए कौन कह रहा है? इसकी माँ कह रही है। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, वो शब्द आपको पढ़ने के लिए आना है। अभी मैं आपको दोहरा कर दिखाऊंगी, उस तरीके से आपको भी पढ़ने के लिए आना है, ठीक है। अभी देखिए, अब मीन्स नाउ, हट मीन्स मूव, फल मीन्स फ्रूट, बल मीन्स ताकत, अब मीन्स नाउ, मत मीन्स डोंट, कल मीन्स टुमोरो, सड़क मीन्स क्या है? रोड, शहर मीन्स सिटी, चरण मीन्स फीट, गगन मीन्स स्काई, नरम मीन्स सॉफ्ट, नगर मीन्स ऑल्सो सिटी, मगर मीन्स क्रोकोडाइल, उपवन मीन्स गार्डन, पनघट मीन्स दिस रिस्ट, बर्गर मीन्स गुवा, कसरत मीन्स एक्सरसाइज, नटखट मीन्स नॉटी, झटपट मीन्स फटाफट, उचरज। यहाँ देखिए, यहाँ पे है ये पूरा पद और पाठ। रतन उठ, अब घर चल। रतन को उठने के लिए कह रही है, घर चलने के लिए कह रही है। कौन कह रही है? उसकी माँ। रतन उठ, रतन स्टैंड अप। नाउ, अब यहाँ पे मैंने बताया कि अब घर चल। नाउ विल गो टू होम, बस पर चढ़, नहर तक चल। बस मीन्स यू नो बस, ओके। बस पर चढ़ यानी कि बस के अंदर चढ़ने के लिए उसकी माँ उसको कह रही है। नहर तक चल, नहर तक मीन्स उपवन तक चलने के लिए कह रही है, ठीक है। इधर उधर मत टहल, इधर उधर हेयर एंड देयर, डोंट रोम और डोंट वॉक अवे, ओके। बहस मत कर, बहस मीन्स क्या है? आर्ग्यू विथ हूम? हिज हर रतन मदर, विथ हिज मदर। टहल कर उधर चल, टहल मीन्स वॉकेबल डिस्टेंस है, तो चलकर टहल कर चलने के लिए उसकी माँ उसको कह रही है। छत पर मत चढ़, छत मीन्स रूफ, रूफ पर रतन चढ़ रहा है तो माँ बोल रही है छत पर मत चढ़, ओके, छत पर मत चढ़, ठीक है। उसके बाद है फल चक यानी कि फल को खाने के, फल्स मीन्स फ्रूट को खाने के लिए कह रही है, ओके। फल ढक कर रख, फल को लिया है खाने के लिए और वहाँ पे उसने क्या किया है, ओपन ही रखा है, तो उसकी माँ क्या कह रही है? उसको ढक कर यानी कि उसके ऊपर कवर डाल के रखने के लिए कह रही है। अचकन पहन, अचकन मीन्स कोट, पहन मीन्स वेयर, अचकन को पहनना है, और टमटम पर चढ़, टमटम यानी कि क्या है? दैट इज द वन टाइप ऑफ ट्रैवलिंग व्हीकल, टमटम मीन्स हॉर्स रहता है, उसके ऊपर भी चढ़ने वाला टांगे जैसा रहता है, उसको टमटम हम कहते हैं, ठीक है। टमटम पर चढ़, सज धज कर शहर चल, सज धज कर यानी कि फुल रेडी होके कहाँ चलने के लिए बोल रही है मम्मा? शहर सिटी को चलने के लिए कह रही है। ये हो गया इतना आज के लिए, ये पद और ये शब्द जो है आपको लिखने के लिए आना है, और इसके आगे जो है चित्र सहित जोड़ कर लिखी है, चित्र सहित जोड़ कर लिखी है। यहाँ पे क्या है, नीचे देखिए, ये खत्म होने के बाद उसके नीचे जो है आपकी किताब में
वहाँ पे है चित्र को जोड़कर लिखिए करते हैं। वहाँ पे फर्स्ट एक लड़की का चित्र है, दूसरा वाला है लहर का चित्र है, समुंदर का चित्र है, उसके तीसरा वाला जो है बतख का चित्र है, और चौथा वाला जो है वो कमल का चित्र है। अभी आपको क्या करना है, नीचे क्या है अक्षरों में लिखा है, ऊपर जो है वो चित्र दिखाया है और नीचे जो है उसे लिख कर दिखाया गया है। तो आपको क्या करना है, मैच करना है वो शब्द को वो चित्र के साथ आपको मैच करना है। अभी देखिए लड़की के चित्र के नीचे क्या है, लहर, लहर दिखती है लड़की नहीं, तो लहर कहाँ पे है और लड़की का नाम क्या है, वहाँ पे देखिए मैं एक बार पढ़ के दिखाऊंगी। लड़की के चित्र के नीचे है लहर शब्द है, और लहर के नीचे शब्द है वहाँ पे बतख है, और बतख के नीचे वाला जो शब्द है वो कमल है, और कमल के नीचे वाला जो शब्द है वहाँ बहन है। तो आपको क्या करना है, अभी लड़की के चित्र को, वहाँ पे लड़की का चित्र तो है लेकिन उसका नाम नहीं दिया गया है लड़की करके, उसको बहन कहा गया है, तो लड़की को कहाँ जोड़ना है, बहन के साथ जोड़ना है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा चित्र जो है समुंदर का है, समुंदर का जो है लहर है, यानी कि लड़की के जो नीचे वाला शब्द है उसके साथ उसको जोड़ना है, वो है लहर। उसके बाद जो है तीसरा शब्द बतख, बतख का अक्षर में कैसे लिखा जाता है, बतख के जो बतख अक्षर जो है लहर के नीचे दिया गया है वहाँ पे आपको जोड़ना है। उसके बाद कमल का चित्र का है, बतख के नीचे दिया गया है वहाँ आपको जोड़ना है। इस तरीके से ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करना है, और ये दो बार पढ़कर रखना है ताकि आपको पढ़ने के लिए भी आ जाए और लिखने के लिए भी आ जाए। आज के लिए इतना ही, अगले क्लास में हम पढ़ेंगे अक्षरों को जोड़कर लिखना, यानी कि जोड़कर कैसे लिखा जाता है, क अधिक आ की मात्रा का, त अधिक आ की मात्रा ता, ऐसे ऐसे वाले शब्द हम अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। अभी देखिए ये यहाँ देखिए जोड़े और पढ़े, जोड़ कर इसे पढ़ना है। यहाँ देखिए क अधिक आ की मात्रा है, ये नॉट अ टी, आ की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या होता है का, ठीक है। उसी तरह क अधिक आ खा, त अधिक आ की मात्रा ता, ठीक है। अभी जो है देखे और पढ़े, देखिए इधर आ की मात्रा लगाई हुई है, ठीक है। ग आ की मात्रा ज र, इधर क्या है ग आ की मात्रा है, ज र क्या है गाजर, ठीक है। छ पहला अक्षर है, इसके बाद क्या है त, इसके बाद क्या है त, इसके बाद माँ छाता, ठीक है। अभी यहाँ जो है इस तरफ जो है वो है अ नार, ठीक है, टमाटर, इस तरह ये पढ़ा जाता है और लिखा जाता है। अभी अगले क्लास में आपको क्या करना है, यह पूरा पढ़कर लिखने के लिए आपको आना है, ठीक है। अभी आज के लिए इतना ही, कल के क्लास के लिए पेज नंबर नेक्स्ट देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।